अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप चैप्टर नंबर 21 पढ़े हैं। इसके अंदर प्रीवियसली हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जब लैटर न्यूक्लियाई मर्ज होकर आयरन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और नया बनने वाला न्यूक्लियस पहले जो फ्रेगमेंट्स है उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। सेम वैसे ही जैसे फिशन के अंदर हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करके लैटर न्यूक्लियाई में चेंज होते हुए आयरन की तरफ आता है और इस दौरान भी बाइंडिंग इफेक्ट जो मास इफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और नए बनने वाले फ्रेगमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम फ्यूजन रिएक्शन से मजीद आगे चल रहे हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन। हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर ड्यूट्रियम रिएक्ट करें और हीलियम 2-4 बनाएं तो साथ जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, वो तकरीबन 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक मिनट मैं देखूं कि कितनी थी एग्जैक्टली। हाँ जी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है ये एनर्जी बनती है तकरीबन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। लेकिन आपको पता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो असल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी नहीं होती, क्योंकि असल में बनता है ट्रिटियम एक प्रोटॉन के रिलीज के साथ और एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, या फिर इसके नतीजे में बनता है हीलियम 2-3 और एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है तकरीबन 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के हिसाब से एनर्जी रिलीज होती है। सो ड्यूट्रियम साइकिल जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। इसके बाद पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे ड्यूट्रियम ट्रिटियम रिएक्शन करवाते हैं तो इस दौरान क्या बनता है, इस दौरान बनता है हीलियम 2-4 आइसोटोप और साथ रिलीज होता है एक न्यूट्रॉन और जो एनर्जी बनती है वो कितनी होती है, वो होती है तकरीबन 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस हिसाब से 5 न्यूक्लियन हिस्सा लेते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियन वो कितनी होती है, वो होती है 5.867 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी की वैल्यू प्रिटी हाई है पहले की नस्बत। फिशन में भी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती थी। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से कुछ रिएक्शन ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और कुछ रिएक्शन कम एनर्जेटिक होती हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं सूरज में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो सूरज में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, वो फ्यूजन रिएक्शन है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्या नाम है उसका, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये रिएक्शन किस तरह से काम करता है, ये रिएक्शन इस तरह से काम करता है कि ऑन एवरेज 4 प्रोटॉन्स तब्दील हो जाते हैं एक हीलियम में और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, वो होती है तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूक्लियन के हिसाब से कितनी आती है, 4 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगी तकरीबन 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन होगा किस तरह, प्रोटॉन 4 किस तरीके से मिलकर हीलियम एटम बना सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम होगा कि 2 प्रोटॉन एड अप होंगे, 2 प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक ड्यूटेरियम। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पे 1 और 1 है, 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 के बजाय 1 है। इसका मतलब है कोई एक ऐसा पार्टिकल रिलीज होना है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, वो +1 होगा और इसके अलावा मास नंबर 0 होगा। तो ये कौन सा होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिटिव बीटा, ठीक है, और साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी उसको बाद में हम समअप करेंगे। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है और एक और ड्यूटेरियम बनता है तो जो ड्यूटेरियम बनेगा उससे रिलीज होने वाली एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यही रिएक्शन अगर दोबारा हो जाए और क्या बना ले, H12 बना ले, साथ एक पॉजिट्रॉन रिलीज कर दे और साथ बने एनर्जी, तो भाई अब जो ये ड्यूटेरियम बनेंगे आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होकर तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन से भी कम एनर्जी रिलीज करेंगे। इसलिए सूरज में ये रिएक्शन होता ही नहीं है। सूरज में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर 2 प्रोटॉन्स यूज किए हैं और उससे एक ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस बनाया है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन बनाया
ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन बनाया है. अब ये जो ड्यूट्रॉन बनाया है इसमें क्या होगा, इसमें एक और प्रोटॉन एडअप होगा और प्रोटॉन एडअप होने के बाद ये किसमें तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा हीलियम 23 में. किसमें रिलीज हो जाएगा, हीलियम 23 में गामा रेडिएशन रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी. यहाँ पे गामा रेडिएशन और एनर्जी को मिला के एक ही लिख सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली बाकी एनर्जी अगर इंफ्रारेड पोर्शन में है, विजिबल में है, तो जरूरी बात है कि गामा रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, उसको अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बहरहाल ये हमने बात कर ली. अब देखिए कि कितने रिएक्शन हो चुके हैं, कितने प्रोटॉन यूज हो चुके हैं, 1, 2, 3 प्रोटॉन अब तक यूज हो चुके हैं. और नतीजा क्या है, नतीजा यह है कि एक हीलियम 2-3 बन चुका है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज हो चुका है और ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो चुकी है. ठीक है, सो यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो नेट रिएक्शन है मैं वो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोटॉन्स यूज हुए. क्या बना, यहाँ पे बना हीलियम 2-3 और क्या बना, एक बीटा पॉजिटिव रिलीज हुआ और साथ के रिलीज हुई एनर्जी जिसमें गामा रेडिएशन को भी आप एड अप कर लो, तो ये टोटल रिएक्शन हो रहा है. अच्छा, किसी तरीके का एक और रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन क्या होगा, उसमें यहाँ पे 3H11 दोबारा से एक और हीलियम 2-3 आइसोटोप बनाएंगे, एक बीटा पॉजिटिव बनेगा और इसमें भी एनर्जी जिसमें बहुत सारी करंट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बन जाएंगी. तो अब एक रिएक्शन के अंदर 3 प्रोटॉन्स यूज हो रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में भी 3 प्रोटॉन्स यूज हो रहे हैं. अभी तक कितने प्रोटॉन्स यूज हो गए, अभी तक 6 प्रोटॉन्स यूज हो चुके हैं. अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो दोनों प्रोटॉन्स बने हुए हैं ये आपस में मर्ज होंगे और क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3H11 यहाँ पे जो हमारे पास ये नहीं, ये तो हीलियम बना चुके हैं. जो हीलियम बनेंगे, ये वाले हीलियम बनेंगे, ये आपस में मर्ज होंगे. किस तरीके से, यहाँ पे लिखा जाएगा हीलियम 2-3 प्लस हीलियम 2-3 इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनेगा, वो क्या होगा, वो होगा कार्बन और ये 4 और 6 वाला, ये कौन सा होगा, ये होगा बेरिलियम. अनस्टेबल आइसोटोप होगा, टूट जाएगा. क्या बनाएगा, ये बनाएगा हीलियम 2-4. क्या बनाएगा, हीलियम 2-4 और साथ क्या रिलीज करेगा, 2 प्रोटॉन्स रिलीज कर देगा और साथ रिलीज करेगा एनर्जी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेट रिएक्शन है सबका नेट टोटल वो कितना है, वो ये है कि हमारे पास 6 प्रोटॉन्स एड अप हो रहे हैं. बन क्या रहा है, बन ये रहा है कि हमारे पास यहाँ पे आने वाले 2 जो बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं उनको लिख लेता हूँ लहदा, कि ये 2 बीटा पार्टिकल्स बन रहे हैं. इसके अलावा क्या बन रहा है, एक बन रहा है हीलियम 2-4. क्या बन रहा है, हीलियम 2-4 का आइसोटोप बन रहा है और साथ क्या बन रहे हैं, साथ बन रहे हैं 2 प्रोटॉन्स. ठीक है, और साथ रिलीज हो रही है डिफरेंट काइंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी. सो भाई 6 प्रोटॉन्स मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, 2 प्रोटॉन वापस जनरेट हो रहे हैं और 2 बीटा पार्टिकल्स भी बन रहे हैं. तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओवर द साइकिल जो नेट प्रोटॉन्स यूज हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो 4 यूज हुए हैं, क्योंकि 6 टोटल इन्वॉल्व हुए हैं, 2 वापस प्रोडक्ट के तौर पर मिल गए हैं. तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर कितने प्रोटॉन्स यूज हुए हैं, वो यूज हुए हैं 4 प्रोटॉन्स. ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं जरा इस रिएक्शन को. देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां पे 2 प्रोटॉन्स एड अप होंगे और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ड्यूट्रॉन और एक एटॉमिक नंबर जस्टिफाई करना है, तो +1, 0 वाला बीटा पार्टिकल और साथ रिलीज होगी एनर्जी. एनर्जी को चलो यू लिख देता हूं. इसके बाद जो ये बना है H12, इसमें एक और प्रोटॉन एड अप होगा और क्या बनेगा, ये बन जाएगा हीलियम 2-3 और साथ रिलीज होगी एनर्जी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली. फिर से इस तरह का रिएक्शन कर लो कि ये H11 और H11 है जिसने एड अप होकर ड्यूट्रॉन बनाया है, H12 बनाया है, 7+1, 0 बीटा पार्टिकल ये बना है और इधर से बनने वाला जो ड्यूट्रॉन है उसमें एक और प्रोटॉन एड अप होके फिर से क्या बनाएगा, हीलियम 2-3 और एनर्जी. अब यहाँ पे बनने वाला हीलियम 2-3 और यहाँ पे बनने वाला हीलियम 2-3 इन दो रिएक्शंस में वो एड अप होंगे, क्या बनेगा, हीलियम 2-3 प्लस हीलियम 2-3 तब्दील किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम 2-4 में तब्दील और साथ 2 प्रोटॉन्स रिलीज होंगे और साथ बनेगी एनर्जी जो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी.
6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के हिसाब से एनर्जी निकलेगी। तो भाई यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स यूज हुए, 6 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स यूज हुए हैं, 6 प्रोटॉन्स यूज हो गए सेक्शन के अंदर। अच्छा प्रोडक्ट क्या आए हैं, प्रोडक्ट आए हैं यहाँ पे 2 बीटा पॉजिटिव बने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा ये हुआ कि भले ये ड्यूट्रियम्स बने थे लेकिन ये क्योंकि एडअप हो गए ड्यूट्रियम्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और किसमें तब्दील हो गए हीलियम 2-3 में, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि इस जगह के ऊपर ये भी आगे यूटिलाइज हो गए हैं। बनने में क्या आ रहा है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपस में रिएक्शन कर चुके हैं। भाई हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं 6 प्रोटॉन्स, प्रोडक्ट्स हैं 2 बीटा पार्टिकल्स, इसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं 2 प्रोटॉन्स, इसके अलावा प्रोडक्ट क्या है हीलियम 2-4, और इसके अलावा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ये एनर्जी जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन बन रहा है, तो ये जो एनर्जी की टोटल वैल्यू है ये कितनी है, ये 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एनर्जी पर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी की वजह से सूरज इतने अर्थ से जो है वो रेडिएशन दे रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पूछें। बच्चों कोई कंफ्यूजन, अच्छा जी अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ रेडिएशन एक्सपोजर को, क्योंकि थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, रीडिंग करूंगा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। रेडिएशन एक्सपोजर, व्हेन अ गीगर ट्यूब, जिसे गीगर मुलर काउंटर जीएम ट्यूब भी कहते हैं, व्हेन अ गीगर ट्यूब इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इट रिकॉर्ड्स रेडिएशन इवन व्हेन रेडियोएक्टिव सोर्स इज नोवेयर नियर इट, दिस इज कॉज्ड बाय द रेडिएशन कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। It is partly due to the cosmic radiation which comes to us from outer space and partly from naturally occurring radioactive substances in the Earth's crust. The cosmic radiation consists of high energy charged particle and electromagnetic radiations. The atmosphere acts as shield to absorb some of these radiation as well as ultraviolet rays. In recent past, the depletion of ozone layer in upper atmosphere has been detected, which particularly ultraviolet rays reaching us. This may result in increased eye and skin diseases. The depletion of ozone layer is suspected to caused due to excessive release of some chemicals in atmosphere such as chlorofluorocarbons, CFC, that means carbon chains, ऐसी organic compounds की जिनके अंदर chlorine और fluorine मौजूद होती हैं। एरोसोल स्प्रे, ये जो इंसेक्टीसाइड घरों में यूज होता है उसके अंदर जो प्रेशराइज्ड गैस भरते हैं जिससे मोर्टीन वगैरह के जो है वो यूज होते हैं, उसमें ये एरोसोल गैस भरी होती है। इसके अलावा प्लास्टिक फॉर्म इंडस्ट्री, इट्स यूज इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स, मेनी बिल्डिंग्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव रेडोन गैस एंटर्स building from the ground, it gets trapped inside the building which makes radiation levels much higher from radon inside than outside. A good ventilation can reduce radon levels inside the building. All types of food also contain a little radioactive substance. The most common are potassium 40 and carbon 14 isotope. Some radiation in the environment is added by human activity. Medical practices, mostly diagnostic X-ray, probably contribute to major portions to it. It is an unfortunate fact that many X-ray exposure, such as routine chest X-rays and dental X-rays, are made for no strong reason and may do more harm than good. Every X-ray exposure should have a definite justification that overweighs the risk. The other sources include radioactive waste from nuclear facilities, hospitals, research and industry establishments, color televisions, luminous watches, and tobacco leaves. A smoker not only inhales toxic smoke but also hazardous radiations. Low level background radiation from natural sources is normally considered to be harmless. However, higher level of exposures are certainly damaging. We cannot avoid exposure to the radiation. However, the best advice is to avoid unnecessary exposure to any kind of ionizing radiation. So, bhai background radiation kya hai? Wo radiation jinko hum har waqt expose hote rehte hain. सबसे पहले नंबर पे आती है कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन कहाँ से आती है? एक तो बिग बैंग से जो एनर्जी बनी थी उसका रेमिनेंट अभी तक मौजूद है स्पेस में,
ठीक है, मेनली बैकग्राउंड रेडिएशन हम उसे कहते हैं। तो स्पेस में बैकग्राउंड के ऊपर एक नॉइज आती है डिटेक्टर्स के ऊपर, जो कि रेडियो वेव्स हैं, जो कि बिग बैंग के रिमेनिंग है, एक तो वो है। दूसरी यह कि तमाम तमाम स्टार जो स्पेस में मौजूद हैं वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में बड़े अमाउंट में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बनते हैं जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं। इसके अलावा स्टार्स जैसे कि सूरज से जो मास इजेक्शन है वो भी होता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल स्पेस में स्टॉर्म की सूरत में चलते हुए आते हैं, लेकिन जमीन की मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है और जमीन में नहीं होने देती। इसके अलावा जो अनचार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जैसे गैमा रेज, उनको एटमॉस्फेयर की हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर थिक लेयर फिल्टर करती है। देखिए जब किसी प्लैनेट की कोर फ्रीज हो जाती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, जैसे कि मार्स के साथ हुआ। मार्स की सरफेस पे कभी पानी और गया, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई उसके ठंडे हो जाने और कोर के फ्रीज करने की वजह से, तो जो सूरज की रेडिएशन मार्स पे एंटर होती थी वो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को आयनाइज करती थी और उनको अपने साथ बहा के स्पेस में ले जाती थी, जिसकी वजह से जो मार्स है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अब बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुका है। लेकिन मार्स के पोल्स के ऊपर और उसके सरफेस के नीचे अभी भी पानी के रिजल्ट मौजूद हैं। अगर हम किसी तरीके से मार्स में मैग्नेटिक फील्ड को रिस्टोर कर लें तो हमें वो एनर्जी दोबारा से मिल सकती है। अच्छा जी, ये बात कर ली हमने कि स्पेस से जो रेडिएशन एंटर होती है उसकी बात हुई। इसके अलावा हम जो फूड खाते हैं क्योंकि वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में एक जो आइसोटोप है वो कार्बन 14 का भी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें कुछ पोर्शन कार्बन 14 का भी होता है, और इसकी वजह से कार्बन डेटिंग भी होती है। आपको पता है फ्रेश जो बॉडीज हैं उनकी कार्बन की वजह से जो डिके रेट है, जो एक्टिविटी आती है वो ज्यादा आती है, और जो ओल्ड सैंपल्स होते हैं बहुत पुराने रेमिनेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उनमें कार्बन 14 की एक्टिविटी कम होती है, तो कार्बन डेटिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये रेडिएशन है लेकिन स्पेस लेवल में काउंट होती है। और जो क्रिप्टॉन या पोटेशियम 40 है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम 40 की एग्जाम्पल दी है, वो भी हमारे एटमोसफेयर में मौजूद है, हमारे फूड का हिस्सा होती है। बहरहाल ये भी कोई डैमेजिंग रेडिएशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी रेडिएशन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल जमीन में रेडियम मौजूद होता है जो कि डिके करके रेडॉन गैस बनाता है, और रेडॉन गैस जमीन तक कीप आउट करती है, बिल्डिंग के अंदर भर जाती है। अगर बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं होगी तो रेडॉन गैस के लेवल हाई होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेडिएशन लेवल हाई होंगे और रेडिएशन थिकनेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा फिर यह है कि ह्यूमन एडेड रेडिएशन है जैसे एक्सरे, जो कि मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा आम है। जब भी आप एक्सरे करते हो तो वो एक्सरे चूंकि आयनाइजिंग रेडिएशन है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर को जाकर डिस्ट्रॉय करता है और वहां पे उसकी कोडिंग को म्यूटेट कर देता है, जिससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो हर दफा जब आप एक्सरे को एक्सपोज होते हो तो आप कैंसर के चांसेस को बढ़ा रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात की कि दुनिया में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे कि चेर्नोबाइल का जो पावर प्लांट था जो कि सोवियत यूनियन में था, अब यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, तो वहां पे चूंकि 1986 में एक्सप्लोजन हुआ था, उसने भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन को कंट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं, इसके अलावा जो लैब से वहां पे काम करते थे सैंपल से रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एस्केप करती हैं, ये तमाम के तमाम इस लेवल को इंक्रीज करती हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बात की कि टेलीविजन से भी जो है वो रेडिएशन आती हैं। ये रेडिएशन कौन सी होती हैं? ये उन टीवी की बात है जिनमें पिक्चर ट्यूब मेथड यूज होता था। आजकल की जो एलसीडी एलईडी हैं इनमें ज्यादातर जो रेडिएशन है वो विजिबल पोर्शन में होती हैं, कुछ जो है वो इंफ्रारेड में लाई करती हैं। इनमें डैमेजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे गामा रेज और एक्सरेज नहीं होती। लेकिन जो पुराने पिक्चर ट्यूब टीवी थे उनमें तस्वीर बनाने का प्रिंसिपल क्या था कि पीछे से चलते हुए इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एनर्जी के साथ आके लुमिनेंट स्क्रीन के ऊपर पड़ते थे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती थी वो वॉयलेट कलर जनरेट करता था, जिसकी एनर्जी कम होती थी वो रेड कलर जनरेट होता था, और तीन कलर की तीन एनर्जी डिफरेंट एनर्जी वाली जो गन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन फायर करती थी और तीन कलर के कॉम्बिनेशन से पूरी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर बना करती थी। अब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से चले तो भाई वो डुअल नेचर की वजह से डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस के मुताबिक वो एक्सरेज की तरह बिहेव करती हैं। अब इन एक्सरेज का ब्लॉक हो जाना बहुत लाजमी है, तो जो स्क्रीन पे लगा हुआ पर्दा है अगर वो पर्दा कहीं से डैमेज हुआ तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन बीम जब बाहर निकलेंगी तो वो एक्सरेज की तरह बिहेव करेंगी। इसलिए अगर स्क्रीन डैमेज है और आप उसके करीब बैठे हो तो आप डायरेक्टली एक्सरेज पर एक्सपोज हो रहे हो और आपको पता भी नहीं है, इससे जो है वो कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए पुराने वक्त में कहा जाता था कि टीवी से जो है वो इतने फुट दूर बैठे, क्यों? क्योंकि जब अगर एक्सरेज निकलेंगी भी तो वो
हवा को आयनाइज करती हुई आएंगी और आप तक आते आते उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर की बात कर ली है। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछें या कुछ भी डिस्कस करना है तो पूछें। आज यहीं तक पढ़ना है। तो बच्चों लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।